मुझे ऐसा लगता है कि पहली सरकार है जिसने पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस किया है, लोगों को चाहे बसों का किराया हो। देश की जो राजधानी है दिल्ली में जो अच्छा काम कर रहा है उसे इस तरह से गिरफ्तार करना, और जो जैसे हमने सुना है न्यूज में देखा है कि कोई मनी नहीं पाई गई, कोई मनी टेल नहीं मिला, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन्हें पता था लोकसभा चुनाव है, अगर अरविंद जी को हम अगर अरेस्ट कर लेंगे तो इन्हें पता है कि ये प्रचार नहीं कर पाएंगे, सातों सीट चली जाएगी। 9 समन गए उनको, अगर आपके कोर्ट ने भी यहाँ तक की कोर्ट करके बात बोला कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप ईडी के सामने पेश हो, तभी तो पता चलेगा कि ईडी आपसे क्या चाहती है। कोई तरीका नहीं है, उन्हें पता है लोकसभा चुनाव है, अगर ये व्यक्ति अगर मैदान में रहना तो पक्का सातों की सातों सीट लेके इंडियन अलायंस जीत जाती। कोर्ट की नहीं मानी तो ये देश में किसी की नहीं मानेंगे, ये कोर्ट की नहीं मानते। सोशल अगर सोशल प्लेटफॉर्म ना हो तो ये लोग जनता की छोड़ो हर किसी की आवाज को मटा के रख देंगे। सोशल मीडिया है, इस वजह से आज हमारे जो एक्चुअल में नेता है उन लोगों की आवाज चल रही है, वरना ये खत्म कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुरमीत कौर जी हैं, समाज सेवी हैं, दिल्ली को बहुत समझती हैं, जानती हैं। गुरमीत जी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है, क्या सोचती हैं आप? ऐसे में जो ये इनको गिरफ्तार किए गए मेरे निगाह में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मेरे साथ कोई कंपटीटर है तो उसकी लाइन मुझे छोटी नहीं करनी, मुझे अपनी लाइन बढ़ा के आगे, मुझे आगे, मैं कोई मेरे साथ रनर है तो मुझे आगे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अच्छे काम करके पब्लिक के अंदर आना है। पब्लिक होगी तो मुझे 5 साल के बाद हटा देगी, नहीं तो पब्लिक मुझे 3 बार जिता देगी, 4 बार जिता देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली सरकार है जिसने पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस किया है, लोगों को चाहे बसों का किराया हो, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। आपसे बात दोबारा करेंगे, आप बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखिए जी, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अब चुनाव जो बिल्कुल पास में है, इस वक्त में किसी नेता को गिरफ्तार करना, किसी जो देश का सेवक जो अच्छा काम कर रहा है गरीबों के लिए, जो साथ खड़ा है लगातार गरीबों के लिए, और देश की जो राजधानी है दिल्ली में जो अच्छा काम कर रहा है उसे इस तरह से गिरफ्तार करना, और जो जैसे हमने सुना है न्यूज़ में देखा है कि कोई मनी नहीं पाई गई, कोई मनी टेल नहीं मिला, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत ही गलत है। चुनाव तो चूंकि 24 चुनाव है, चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा जी, जिस तरह से तानाशाही बढ़ रही है, लोकतंत्र देखो, जनता ने जो उन्हें जो मैंडेट दिया था इतना ज्यादा, वो इसलिए दिया था कि देश की भला करे, ना कि वो अपना भला करे और लोगों को जेल में डाले, इसलिए नहीं मैंडेट नहीं दिया था, वो तानाशाही पे उतरा है। अब यही देश की जनता को समझना होगा, अगर हम इतना ज्यादा उन्हें मैंडेट दे देंगे, इतनी ज्यादा सीटें दे देंगे तो तानाशाही होगी और देश के साथ गरीबों के साथ अत्याचार होगा, और जो अमीर है उनकी तिजोरियों में सारा धन जमा हो जाएगा, और इसी तरह से चलता रहेगा देश, अगर हम देश की जनता इस बारे में नहीं सोचेगी तो। तानाशाह बता रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। सर ये तो सच्चाई है, डिक्टेटरशिप आने वाली है, आग चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बीच में आप ये देखिए, कोर्ट ने कल कहा था 22 अप्रैल तक के लिए था, 22 अप्रैल को आके जवाब देना, लेकिन इन्हें पता था लोकसभा चुनाव है, अगर अरविंद जी को हम अगर अरेस्ट कर लेंगे तो इन्हें पता है कि ये प्रचार नहीं कर पाएंगे, सातों सीट चली जाएगी, हम कब्जा लेंगे, इसीलिए इन्होंने ये सारे कदम उठाए हैं। और सुबह कोर्ट में और शाम को ईडी बैठ जाती है घर आके और गिरफ्तार कर लेती है, ये क्या बात होती है? यानी कोर्ट से भी ऊपर है ये लोग, ये कोर्ट से छोड़ो भगवानों के भी भगवान है ये। इस देश में इंसानों की वैल्यू खत्म हो चुकी है, सिर्फ तानाशाही, डिक्टेटरशिप, पुरानी सारी चीजों को लेके आना चाहते हैं कि बस हम राजा है, बाकी सारी प्रजा है, और जिसे कुचल दिया जाएगा, और कुचलने का काम ये लोग पुलिस के मार्फत कर रहे हैं, जनता इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती सर। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, दिल्ली छोड़ो आज पूरे विश्व में डंका बजता है उनके नाम का, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो जाते हैं तो स्कूल कौन मनाएगा, आज अगर अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल कौन ठीक करेगा, क्योंकि ये तो करना ही नहीं चाहते, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। अब ये देखो 15 साल से यही लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये जानबूझ के इन्हें खत्म करना चाहते हैं, ताकि ये जो योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, यही लोग मतलब है, यही लोग कौन मतलब, यानी जनता, जनता के लिए तो किया है उसने, हाँ।
और जनता तक योजना पहुंच रही है। महिलाओं को आज देख लीजिए, सारी सुविधाएं हैं, बसें फ्री है। अब जैसे 1000 रुपए का ऐलान किया, कई महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, कई लोगों ने बोला कि नहीं हम अगर स्टैंड करते हैं तो ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं, उस 1000 रुपए से वो ट्यूशन पढ़ के अपनी एजुकेशन तो ग्रैब कर पाएंगे। तो खुली डिक्टेटरशिप चल रही है। आपसे दोबारा बात करेंगे। सुल्तान है, सुल्तान एक पत्रकार हैं और ग्राउंड जीरो पे लोगों को कवर करते हैं। सुल्तान क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वहाँ पे लोगों के जहन में गुस्सा है। ये गुस्सा आप सुबह से देख रहे हैं, ऐसा ही है क्या? देखो, मैं सोशल वर्कर मैम थी, मैंने इनकी बात सुनी। एक इन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है, एक इन्होंने कहा कि स्कूल सही कौन करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सही करेगा, डीटीसी में बस से फ्री है महिलाओं के लिए, सब ठीक है अपनी जगह। 9 समन गए उनको। अगर आपके कोर्ट ने भी यहाँ तक की कोर्ट करके बात बोला कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप ईडी के सामने पेश हो, तभी तो पता चलेगा कि ईडी आपसे क्या चाहती है। लेकिन केजरीवाल हमेशा उसको ठुकराते गए, उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए, वहां से उन्होंने जमानत ले ली। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ईडी तुम्हारे पास नहीं आएगी, पूछताछ नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि 22 तारीख को ईडी से भी जवाब मांगा था कि 22 तारीख को अपना जवाब फाइल, 22 अप्रैल को अपना जवाब फाइल करना पड़ेगा। लेकिन बाद ही कुछ करते, ये कोई तरीका नहीं है। उन्हें पता है लोकसभा चुनाव है, अगर ये व्यक्ति अगर मैदान में रहना तो पक्का 7 की 7 सीट लेके इंडियन अलायंस जीत जाती। इन्हें पता है भाई जी, आप समझ क्यों नहीं रहे यार? हर चीज की नहीं मानी तो ये देश में किसी की नहीं मानेंगे, ये कोर्ट की नहीं मानते। चंडीगढ़ चुनाव क्या था? चंडीगढ़ चुनाव मीडिया में दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। चंडीगढ़ चुनाव में सबको पता था दिन दाड़े चोरी हुई, लेकिन फैसला सर खानी पड़ी ना बीजेपी को। सोशल, अगर सोशल प्लेटफॉर्म ना हो तो ये लोग जनता की छोड़ो हर किसी की आवाज को मटा के रख देंगे। सोशल मीडिया है, इस वजह से आज हमारे जो एक्चुअल में नेता है उन लोगों की आवाज चल रही है, वरना ये खत्म कर देंगे। दिन भर सिर्फ मोदी मोदी साला टीवी हो गया, पता नहीं क्या होगा, तुम सब बिके हुए हो। सोशल मीडिया, अगर गली मोहल्ले में कोई बात हो जाए, किसी को कोई बात हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई बात हो जाए, वहाँ मीडिया नहीं जाती है, लेकिन मोदी के पीछे पड़ी रहती है। अब ऐसा मोदी ने तुम्हें दे क्या दिया जो तुम मोदी के पीछे रह गए हो, आम जनता के नहीं हो? मीडिया हमेशा आम जनता के लिए होती है, तो आम जनता का है इसका मतलब। तुम तो ठेकेदारों के साथ चल रही हो। मणिपुर पे बात बोली, अच्छी बात बोली, जब मोदी जी लक्षद्वीप जा सकते हैं तो एक बार मणिपुर जाने। अभी रेसलर, एक रेसलर, एक मणिपुर का रेसलर, अभी 2-3 दिन की खबर देख लीजिए, बेचारा रो रहा रिंग में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ रहा है, जो हाथ जोड़ रहा है। नहीं सुनो, इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो वो, अरे ये न्यूज है, उसकी हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर बीजेपी के लोग ही क्यों निकलते हैं? मणिपुर मोदी जी चले जाओ, बचा लो मणिपुर, ज्यादातर बीजेपी के। एक यही तो प्रॉब्लम है, अगर और चीजें करे तो वो फेक है, वो खुद करे तो वो सब रियल है। मैं आपके पास से सहमत हूँ, मणिपुर जाना चाहिए उनको, जब वो लक्षद्वीप जा सकते हैं तो एक बार मणिपुर भी जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खुलासा हुआ, नहीं दिखा रहे रोज, मानसिकता गुलाम हो चुकी है। और जो सही कह रहे थे, किसी दिन बोला था कि जो अंधभक्त है ना, वो अंधभक्ति है, वो किसी का सुनेगा नहीं और सुन भी नहीं रहे। तो पत्रकार भी अंधभक्त हो गए क्या? आधे से ज्यादा तो अंधभक्ति है। हम यूं नहीं कह रहे, जो सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया चल रही है उसकी वजह से आज कुछ अच्छे लोग जिंदा है, अदरवाइज सारे के सारे सबको पता है कि बिके हुए हैं। मैं सिख धर्म से, सुनिए, मैं सिख धर्म से हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कट्टर किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे मैं सिख धर्म ही क्यों ना हो। जो कट्टर हो जाते हैं ना, वो अंधभक्त हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस कोई भी धर्म का हो, वो नहीं होना चाहिए। भगवान सभी का एक है। पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस किसके लिए होती है? मैं नहीं कह रहा किस बात सवाल पे, मैं वो जब वो नहीं कर रही ना, अपनी नौकरी कर रही हूं, वो मजबूरी है कर रहे हैं। आप अगर केजरीवाल का पक्ष ले रहे हो तो आप उनके सपोर्टर हो, अगर ये उनका ले रहे हैं। नहीं, अंधभक्ति कुछ नहीं होती, अपना आपने भी केजरीवाल का पक्ष लिया तो अंधभक्त नहीं कह सकते ना किसी। मैं आपकी सोच में सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अंधभक्ति की परिभाषा क्या है? आप किसी के समर्थक तो हो गए, आप अभी केजरीवाल को सही बता रहे हो, कोई मोदी को बता रहे, लेकिन आपके अगर तो अंधभक्ति वाला शब्द बीच में ले आते हो। यूपी के अंदर और बिहार के अंदर एक यादव ऐसे लोग हैं जो डट के मुकाबला कर रहे हैं, सारे बीजेपी में शामिल हो गए। नीतीश जैसा बंदा कभी यहाँ कभी वहाँ, अबे क्या दिक्कत क्या है राजनीति? देखो 80% SC समाज जिनको की
पानी छूने पे भी उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको मंदिर में घुसने नहीं जा रहा है, हमारे राष्ट्रपति को नहीं मंदिर में घुसने दिया, हमारे राष्ट्रपति का हाल देख लीजिए, जाति धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है अनभक्ति की पट्टी देखिए कि धर्म के नाम पे सिर्फ मंदिर के नाम पे वो लोग बहल जाते हैं और अपनी पढ़ाई दवाई और ये कमाई इन चीजों को भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी लोग हैं समाज के उनको सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति पे ध्यान देना चाहिए, जो अच्छा काम करे उनको वोट करें और जो अच्छा काम नहीं करता और जो पब्लिक की ना सोचे उसको वोट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तमाम दिल्ली के लोग हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं है कि सहमाता खेल खेला जाए, विकास की बात की जाए। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली के लोग गुस्से में हैं। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, CCB भारत, दिल्ली।